हाय फ्रेंड्स, मैं मनीष। तो आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ टोयोटा इनोवा के टी बेल्ट को किस तरीके से आप इसमें रिप्लेस करते हैं, तो उसके बाद जो लाइट होती है वो कैसे रीसेट होती है, तो वो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो ये कार है टोयोटा इनोवा और आज की इस वीडियो में हम करेंगे इसकी टी बेल्ट लाइट रीसेट। तो फ्रेंड्स, ये कार है टोयोटा इनोवा और आज की इस वीडियो हम करने वाले हैं इसकी टी बेल्ट लाइट रीसेट। तो यहाँ पर हमने जो इसकी टी बेल्ट थी वो चेंज कर दी है, लेकिन अभी हमें उसको रीसेट करना है। वो रीसेट हम किस तरीके से कर सकते हैं, बेसिकली मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर एक वीडियो पहले पोस्ट किया हुआ है और जो पुरानी बेल्ट है वो इस जगह पर है जो कि अभी हमने इसमें रिप्लेस की है। और साथ ही साथ अगर आपको उसका टाइमिंग का वीडियो देखना है तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख करके इसकी टाइमिंग बेल्ट को देख करके इसको चेंज कर सकते हैं किस तरीके से इसकी टाइमिंग लोकेशन है। तो यहाँ पर जैसे ही हम इसमें इग्निशन स्विच ऑन करते हैं तो ये ऑन किया, ये आप देखते हैं सारे इंडिकेशन आ रहे हैं, लेकिन अब कार को जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट कीजिए, तो हमने कार को स्टार्ट कर दिया, सारे इंडिकेशन ऑफ हो चुके हैं, लेकिन जो हैंड ब्रेक का इंडिकेशन है, सीट बेल्ट का इंडिकेशन और टी बेल्ट, मेनली जो इंडिकेशन है टी बेल्ट का वो ऑन है। तो ये टी बेल्ट का जो इंडिकेशन है इसको कैसे ऑफ करना है ये आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो यहाँ पर जो आपको टी बेल्ट की लाइट इसको रीसेट करना है, इसके लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको जो मीटर है इसको ओडो पे सेट करना होता है, जैसे कि ये ट्रिप ए ट्रिप बी, तो आपको ये शो होना चाहिए ओडोमीटर। इस कंडीशन पे आपको इसका इग्निशन स्विच ऑफ करना होगा, स्विच ऑफ किया, अब हम इस बटन को प्रेस कर लेते हैं समथिंग 5 सेकंड के लिए, 1 2 3 4 5, अब से स्विच ऑन करेंगे, स्विच हमने ऑन किया, इसको प्रेस ही रखना है, अब हम इसे एक बार छोड़ करके दबा देते हैं, बस। अब ये आप देख सकते हैं सामने 5 नंबर आ चुका है, यानी 5 नंबर आ चुका है, तो अभी हमें इसे एक एक करके 2-3 बार दबाना है। यहाँ पर नंबर जो है वो चेंज होते हैं, तो 5 का नंबर है 50,000, तो आप इसको छोड़ करके एक बार दबाइए ऐसे, ये देखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 का मतलब होता है 1.5 लाख किलोमीटर। लेकिन आप जैसे इसे करते हैं तो ये 16 17 18 19 20, तो ये हो गया 2 लाख किलोमीटर के लिए। तो मैक्सिमम जो लिमिट है इसकी वो 2 लाख किलोमीटर तक के लिए आप इसकी टाइमिंग बेल्ट को रीसेट कर सकते हैं। तो लेकिन हम अभी हम जो इसे रीसेट करेंगे वो करेंगे हम इसको 5 नंबर तक, यानी कि 50,000 किलोमीटर तक के लिए। तो 5 का मतलब जो है वो है 50,000 किलोमीटर। इसको रीसेट करने के लिए अब हमें क्या करना, 5 पर रखने के बाद इसको हम प्रेस करके रखेंगे 5 सेकंड के लिए और स्विच ऑन होना चाहिए, स्विच ऑन है, ये देखिए अब आप जो लाइट थी यहाँ पर वो ऑफ हो चुकी है। तो अब एक बार हम कार को स्टार्ट करके चेक करेंगे, तो ये इस तरीके से आप इसकी टी बेल्ट की लाइट है उसको रीसेट कर सकते हैं। तो सिंपल सा स्टेप है ये। तो ये थी टोयोटा इनोवा और यही सेम प्रोसीजर रहता है टोयोटा इनोवा, टोयोटा फॉर्च्यूनर और नई जो टोयोटा की कार आई है जैसे कि इनोवा क्रिस्टा, उसमें भी यही सेम प्रोसीजर है। तो इस तरीके से आप इसकी जो टी बेल्ट की लाइट है उसको रीसेट कर सकते हैं। ओके, तो हमने कर दी है इस कार की टाइमिंग बेल्ट रिप्लेस और आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया है किस तरीके से आप इसकी जो लाइट है इसको रीसेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा, तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मनीष का टेक्नोलॉजी।